हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवनेश्वरी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ लार्ज कंडक्टिंग प्लेन हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन अ क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ एज 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। सो गाइस, इस क्वेश्चन को ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक क्या है? ये एक प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन। ओके, तो और एक चीज और मैं अजम्पशन लेता हूं कि मैं बोलूंगा जो सिग्मा है, बेसिकली सिग्मा व्हिच इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा जो है वो 1 × 10⁻⁴ है। सो गाइज, जब भी मैं बोलू सिग्मा, मैं क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करूंगा तो मैं इतना बड़ा वैल्यू ना लिखने की जगह पर मैं सिग्मा लिखूंगा। ओके गाइस, तो यहां पे इस पॉइंट पे मान लो ये कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस प्लेन के कारण, ये जो कंडक्टिंग प्लेन है इस प्लेन के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फील्ड होगा आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप इससे एग्री करो। ओके, ये क्या होगा? और ये कांस्टेंट होगा, ये मतलब पूरे आसपास के रीजन में दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइस, इस क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे पहले मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 εr क्यों नहीं? इसका एक्सप्लेनेशन आप दो तरीके से देना है। एक तरीका क्या है? गॉस लॉ। दूसरा तरीका आप क्या करना है कि मुझे एक्सप्लेन करना है, आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे कि अगर मान लो किस कोई वन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है सिग्मा बाई 2 εr। तो यहां पर ये क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन जो होता है वो सिग्मा बाई 2 εr, और बहुत सारी जगह पर देखे होंगे ये, तो ये कंडक्टिंग प्लेन में क्यों नहीं हो रहा? ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप कीजिए। ओके, इस दो पॉइंट का मे बी बहुतों को सिंपल लगे, बट आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चीजों को समझने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। ओके, तो गाइस, इस कंडक्टिंग फील्ड के कारण ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के कारण पूरे स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ सिग्मा। ओके, तो देखो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? ई इज इक्वल टू यू, वो होता है आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ई इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द ई। ओके, एनर्जी स्टोर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सो एनर्जी स्टोर इन अ गिवन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा आपका? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वी। व्हाट इज वी हियर? वी इज द बेसिकली वॉल्यूम। ओके, मैं लिख देता हूं, दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द गिवन वॉल्यूम, और ये क्या? दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो चलो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वी नो 1/2 ये एप्सिलॉन नॉट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, मतलब क्यू सिग्मा का स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ओके, इनटू वॉल्यूम, ये क्या गया? 1 सेंटीमीटर ना, तो 1 इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 × 10⁻², का क्यू, ये क्यूबिक वॉल्यूम में होना चाहिए, क्यूबिकल वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम होगा। बट वी देख इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ध्यान से देखो एनर्जी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/2 सिग्मा, मतलब सिग्मा का स्क्वायर, दिस मीन्स 1 × 10⁻⁴ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू 10⁻⁶।
So guys, if you solve this, what we get? 1 by 2 into 8.85, okay, into 10 to the power, अब ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, मतलब minus 14, और epsilon naught की value क्या आती है, into 10 to the power 12, so what we get, चलो मैं इसको calculate कर लेता हूँ, but okay, guys, अगर इसको हम solve करेंगे, what we get, 0.05649 into 10 to the power minus 2. Okay, तो देखें बर्मा जी ने इसको क्या लिखा है, उसी के हिसाब से फिर आंसर लिखेंगे. Okay, तो this is question number 43. तो बर्मा जी ने लिखा है 5.6 into 10 to the power minus 4. Guys, आप ध्यान से देखो, this is also. Okay, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5.649 into 10 to the power minus 4 joule. So this is the energy store. Okay guys, so that's all guys. I hope कि ये जो video lecture है, ये आपके study में helpful हो. And guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.